FNO मत करो, बहुत रिस्की है। बट ये FNO है क्या? F&O, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मुझे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी थी जिसका प्राइस 1 करोड़ था। मैंने 10 लाख रुपए पे करके उसकी बुकिंग कर दी, रजिस्टर कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद उस प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ गए, लेट्स से 1 करोड़ 10 लाख हो गए। अब मुझे ये प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा नहीं है, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। अब बिकॉज वो प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख हो गया, मुझे 10 लाख गेन हो गया बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 10 लाख्स फ्रॉम माय पॉकेट। तो 10 लाख लगा के मुझे 10 लाख का गेन हो गया, 100% गेन। सो दिस इज़ जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप हाई लिवरेज करते हो। आप पूरा अगर असेट खरीदते 1 करोड़ का, 1 करोड़ पे 10 लाख कमाते तो आप 10% कमाते। बट 10 लाख लगा के आपने 10 लाख कमा लिया, सो आपने लिवरेज किया बिना डिलीवरी लिए। पहले ही आपने कुछ प्रेडिक्शंस कर ली और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके यू मेड ह्यूज मनी। एंड द सेम वे लॉस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 90 लाख का हो गया होता और आपने बाद में सेल करना होता, सो बोथ द वे इज़